टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया हाजिर है। एक तरफ LOC पर सीज फायर के बाद कश्मीरी अवाम सुख का सांस ले रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में उन लोगों को मस्नूई अज़ा फराहम किए जा रहे हैं जो गुज़िश्ता बरसों की गोलाबारी में माजूर हुए हैं। इस सिलसिला में ANI की क्रिस्टी के साथ एक रिपोर्ट देखिए। J&K पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अलग अलग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिसमें यूथ को कैसे एंगेज करना है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं। उसी का एक पार्ट है कि आज इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हम आर्टिफिशियल लिम्ब जो है फिटमेंट जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ प्रीतम चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उनकी बड़ी उनका सहयोग है। जॉइंटली हम लोग ये जो वर्कशॉप है, ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो लोग जो जिनके लिम्ब से महरूम हैं या फिर उनको चलने में कोई दिक्कत आती है वो आइडेंटिफाई कर करके यहाँ लाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रीतम ट्रस्ट का और पुलिस का SSP साहब का सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो आज हम जैसे लोगों को आर्टिफिशियल लिम लगाने जा रहे हैं। पहले भी लगाए थे, चलने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो उसके बाद जब ये लगाते हैं हमें अच्छे चलना आता है, अच्छे से चलते हैं हम, तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनका जो हम जैसे डिसेबल लोगों की इतनी भी मदद करते हैं। हाँ, हमने कम से कम 100 लोगों को इस काबिल बनाया कि वो अपने पाँव पे चल सकेंगे, जिन्होंने बदकिस्मती की वजह से बॉर्डर एरिया में, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में या मिलिटेंसी फैक्ट्री में या माइंस वगैरह में अपने जो लिम्स खोए हैं। कुछ एक्सीडेंट के भी थे, कुछ बाजों के भी थे जो हमने रजिस्टर किए, जिनका भी चल रहा है। तो ये हमारी टीम दिल्ली से आई है क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमारे पुराने जो सहयोगी थे वो आना के लिए मना कर गए, लेकिन अभी इस बार जो है ये एक स्पेशल जो अप्रोच हमने की है और इसमें हमें पूरी कामयाबी मिली। वादी कश्मीर के दूर दराज के इलाकों तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की गर्ज से भी मुकामी हुकामात ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्लिनिक और मेडिकल चेकअप के कैंप्स लगाए हैं और आवाम को तिब्बी सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं।
हमारे इलाके में तो बहुत सारे कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, किसी की लात में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी को खरसाई की बीमारी है और किसी को खुजली की बीमारी है। तो कैंप का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये कैंप आज यहाँ पर आया हमारे लिए। सुकेतर एरिया है, इसके बाद रैम्बल है, रैम्बल से फिर जगती है, जगदीगला जो है, इसके बाद में रोन का इलाका है। तो इन सारे जगह पे हमारी कंपनियों का डिप्लॉयमेंट है और पूरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पूरी मेडिकल व्यवस्था हमने इन कैंपों के दौरान में देनी है। हर प्रकार की जो बीमारी है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर साहब देखेंगे और उस हिसाब से उनके लिए दवाएँ देंगे। अनंतनाग की बढ़ती आबादी और पार्किंग के मसाइल के पेश नज़र वहां पर पहली मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है, जिस पर वहां की मुकामी आबादी और सयाह बहुत खुश हैं। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ये जो कार पार्किंग बन रहे हैं यहाँ अनंतनाग में, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि ऐसी दो चार पार्किंग और बने। यहाँ सामने भी GMC हैं, इस मेडिकल कॉलेज हैं सर, वहाँ ना बहुत रश होता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ये पार्किंग जल्द अज जल्द चालू करें। ये जो यहाँ पर कार पार्किंग बना गई, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता था और गाड़ियाँ सड़कों पर रहती थी, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इस कार पार्किंग से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा और गाड़ियाँ यहाँ महफूज रहेंगी। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसी और कार पार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जहां बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं और जिंदगी भरपूर अंदाज के साथ रवादमा है, वहां खेलों के मैदान में भी बहुत पेशरफ्त हो रही है। हाल ही में वहां पर टेनिस के मुकाबले हुए, इस सिलसिला में देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए, जैसे पौंडीचेरी से, तमिलनाडु से, केरला से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए। तो एक्चुअली जो यहाँ के J&K स्टेट से बच्चे हैं, वो जब बाहर के स्टेटों को देखेंगे तो उनके अंदर भी हौसला अफजाई होगी कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जिससे हमारी फिटनेस हो, हम बाहर जाएंगे, इंटरनेशनल इवेंटों में हिस्सा लेंगे, एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे। We'll be right back.
अच्छा माहौल है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, टूरिज्म भी इससे प्रमोट होगा। जो खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं तो वो यहाँ की रियासत को देखेंगे, कश्मीर को, कश्मीर प्रमोट होगा इससे। देखिए हम लोग 12 महीने से सभी खिलाड़ी घर में वार्म अप फॉर्म करते, सब कोविड के लिए घर में थे। ये सबसे बड़ी खुशी कि एक साल के बाद हम लोग को खेलने का मौका मिला। एक बहुत अच्छा ये मौका मिलता है इकट्ठे होने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने का, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानने का। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मैचेस होते रहें। आज का खुसूसी कश्मीर बुलेटिन मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।